वेलकम बैक टू चैनल भाई। हमारी स्कॉर्पियन खेल का है भाई ऑफ रोडिंग। हाँ अभी तो ये खेला ही है, अब इसके साथ खेला करेंगे ये माफिया है भाई। हमने अभी इसके मजे लिए, अब ये इसके मजे लेंगे है। क्यों करते हो आप ऐसे इनके साथ? क्योंकि हमारे पास माफिया है इसलिए करते हैं हम ये। हाँ समझे भाई, ऐसे नहीं खेलेंगे तो भाई फिर क्या खेलेंगे भाई। ये गन मेटल ग्लॉस किया था हमने अलॉयज को। और अगर भाई आपको भी अपनी गाड़ी के साथ भाई ऐसे ही खेलने का शौक है ना, तो आप भी माफिया से प्यार कर लो भाई। आपकी गाड़ी से ना आपका प्यार बरकरार रहेगा। तो अभी तो सबसे पहले गाड़ी के ऊपर भाई लगेगा पानी, मिट्टी को भाई बिल्कुल गीला किया जाएगा, फिर इसके कण कण से मिट्टी निकाली जाएगी, एंड देन फिर इसके ऊपर शैम्पू, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। एंड भाई सबसे मेन पार्ट, जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी जाती है, तो डिस्क का अपना क्लियर करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी जो डिस्क प्लेट है ना उसके ऊपर ना लाइंस आ जाएंगी, मिट्टी वगैरह कुछ भी कण मतलब कुछ भी रह जाएगा ना अंदर, तो भाई वो आपकी डिस्क प्लेट को खराब कर देगा। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके ब्रेक कैलिपर। मिट्टी ना ऐसे चिपक रखी है जैसे खेत में ना हड़ भागे आई हो है। तो देखना मिट्टी कितनी चिपकी हुई है यहाँ पे, टायर के भी टच कर रही है। बताओ यार इतना कोई खेलता है भाई गाड़ी के साथ ना? ऐसा खेल तो खेलते रहना चाहिए अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो, लेकिन उसका भाई इतना ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसे खेलते हो तो खेलो भाई, जरूर खेलो, खूब खेलो, लेकिन गाड़ी का ध्यान भी खूब रखो। अभी देखो यार कलर नहीं दिख रहा था, अभी तो कैलिपर का रेड कैलिपर करवा रखे भाई हमने अपनी गाड़ी के, एंड अपना अलॉयज का कलर भी अब निकलेगा। मिट्टी भाई पूरी जमी पड़ी है तो भाई ऐसे पहले आराम से मिट्टी उतारी जाएगी थोड़ी थोड़ी डाल के, फिर दोबारा प्रेशर से एक एक कोने कोने से मिट्टी निकालेंगे। और ये भाई डीप वॉशिंग करानी भाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ नीचे मिट्टी लगती है, क्योंकि आपकी गाड़ी के जो रबर पार्ट्स होते हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेक कैलिपर जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से मिट्टी निकालना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी गाड़ी का वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। जिद्दी मिट्टी को कैसे उतारा जा रहा है गाड़ी के ऊपर से, जितना जिद्दी मिट्टी होगी उतना ही ज़्यादा भाई आपको वक्त लगेगा। मिट्टी निकालते उसे पता होता है मिट्टी कैसे निकालते। अच्छा चल देखता हूँ तो कैसे मिट्टी निकालेगा। चल भाई भाई नहीं ये भाई गाड़ी बहुत अच्छी वॉश करता है, बढ़िया से करता है सारी चीज। ऐसा नहीं होता है गाड़ी का आप ऊपर ऊपर से धुलवा दो, देखना कहाँ कहाँ मिट्टी घुस जाती है। गन को भाई बिल्कुल अंदर करके साफ पानी नहीं आता ना भाई तब तक ये मारते रहना है। मिट्टी देखना सारी हट गई, अब बारी आ गई शैम्पू की, तो भाई ऐसे फॉर्मिंग शैम्पू हो गया, फिर इसके ऊपर अपना माइक्रोफाइबर से इसको एक बार रगड़ा जाएगा, रगड़ा नहीं भाई साहब ऐसे हाथ फेरा जाएगा इसके ऊपर, कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी, कलर चेंज हो गया है, स्नो में घूम के आई है, अभी मिट्टी में खेल रही थी अभी स्नो में खेल के आई है। ऐसे शैम्पू होने के बाद ना एलोएस को अच्छे से भाई कपड़ा लगवाना है, और जो टायर्स है ना इनके ऊपर ना भाई आपको ब्रश लगवानी है, ताकि जो आप कहते हो ना कई बार पॉलिश के बाद भाई मिट्टी चिपक जाती है, तो उस चीज़ से बचाव हो जाएगा, या फिर आप इसको डिग्रीसिंग भी करवा सकते हो। देख रहे हो ऐसी कैसे बनी है, क्योंकि सारी मिट्टी वहाँ चली गई। अब भाई लगे हुए हैं इसको भाई क्लीन करने के लिए, एंड यहाँ पे हल्का सा छोटा सा माइनस सा स्क्रैच लग गया, अभी अपनी ये वाली रबिंग लगी और ये भी मिट जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी गाड़ी होगी है अपनी फाइनल भाई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है, एंड ऐसे ही भाई अंदर से भी अपनी गाड़ी साफ हो गई है। आपको भी भाई अपनी गाड़ी ना बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन बनाए रखनी है। खेलना है गाड़ी के साथ खेलो भाई, लेकिन उसकी इंजॉयमेंट भी तो बनाए रखनी है ना, तो गाड़ी को ऐसे साफ सुथरा रखोगे, उसके पार्ट्स को बिल्कुल ओके रखोगे, तो आपकी गाड़ी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी।